फ्रेंड दिस इज प्रशांत अगर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड आज मैं एक जो नेक का टेक्निक दिखाऊंगा, यानी कि नेक डिजाइन आप लोगों को दिखाऊंगा, और वो बहुत ही अलग है। आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि इस टाइप का नेक, जैसे कि हम लोग हॉल्टर नेक करते हैं ना, तो उस वक्त आप लोग देखते हैं वो थोड़ा सा अलग स्टाइल होता है। मगर इसमें जो आज आप लोगों को दिखाऊंगा, और मैं सिर्फ पैटर्न दिखा रहा हूँ, इसमें स्टिचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत इजी है वो करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ हम टेक्निक दिखा देंगे। तो आप लोग ये जो टेक्निक मैं दिखाने वाला हूँ, इसमें आप लोग कुर्ती वगैरह हो, ब्लाउज वगैरह हो, कुछ भी हो, आप नेक में आप लोग ये तरीका यूज करते हैं, यानी कि आसानी से यूज कर सकते हो। वो तरीका ये है फ्रेंड, आप लोग देखेंगे जैसे कि कुछ ब्लाउज में हो, कुर्ती में ऐसा होता है ना, जो थोड़ा सा बैक में ऊंचा टाइप रहता है, जो हमारा मानिए हमने कुछ कॉलर वगैरह लगाया है, कॉलर लगाया नहीं, मगर जो बैक पार्ट होता है वो थोड़ा सा ऊंचा रहता है, और साथ ही साथ जो फ्रंट वाला जो पार्ट होता है, मानिए नेक वगैरह हो, तो ऐसे तरीका से वो जाता है, लगता है पीछे से कोई हमने अलग से कॉलर बिठाया है, मगर हमने तो कोई कॉलर नहीं बिठाएंगे। इसमें हम वो तरीका सिखाएंगे, क्योंकि आजकल वो बाजार में आ रहा है, बहुत नया नया टेक्निक आ रहा है। तो इसमें क्या है, जिन लोगों को कॉलर से दिक्कत होता है वो लोग ये टेक्निक पसंद करते हैं, क्योंकि एक ही साथ हम कट करना दिखाएंगे। तो आप लोगों को शायद थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है समझने में, तो चलिए मैं पैटर्न में डायरेक्टली दिखा रहा हूँ, और थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूंगा तो भी कट पाएंगे। ये बहुत ही ईजी तरीका है। तो फ्रेंड ये देखिए, मैंने ये जो टेक्निक आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो देखिए ये हमारा हाई नेक, और ये टेक्निक करने के लिए आप लोगों के पास अगर हाई नेक वाला कोई हो, कुर्ती वगैरह हो, तो वो टेक्निक इसमें काम आई, यानी कि शोल्डर आप लोगों को हाफ अप शोल्डर प्लस हाफ इंच लेनी है। तो मैं तो सिर्फ ब्लाउज में दिखा रहा हूँ, मगर आप लोग अगर कुर्ती वगैरह कुछ भी में करें तो हाफ अप शोल्डर प्लस हाफ इंच चाहिए। तो वो नेक ये है फ्रेंड, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को इस टाइप का एक डिज़ाइन हमारा चैनल में है, आप लोग शायद देख पाएंगे, तो वो तो अलग से डिज़ाइन का वीडियो, मगर मैंने इसमें क्या कर रहा हूँ, अलग से ही दिखा रहा हूँ। देखिए ये है हमारा बेसिक है, ठीक है फिर। तो इसमें जो बैक पार्ट है, तो हम लोग वो ही चेंज करेंगे, इस जगह में हम लोग इसको ऐसे करेंगे, देखिए किस तरीका से हम लोग कर सकते हैं जगह में, ठीक है फिर। तो देखिए हम क्या क्या इस जगह में कर सकते हैं। तो ये है हमारा नेक जो विड्थ है इस जगह में, तो हम लोग चाहे इसे इसी तरह कर सकते हैं, चाहे हम लोग इसे इसी तरह कर सकते हैं, तो चाहे हम इसे इसी तरह कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं फिर, इस जगह को ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं ऐसे करके। तो लग रहा है ना ये कॉलर है, तो ये था हमारा बैक पार्ट, और ये फिर ये फोल्ड में होता है, जैसे कि इस जगह में ये फोल्ड होगा, ठीक है फिर, इस जगह में ये फोल्ड होगा। तो मानिए बैक पार्ट ये हमें इस तरीका से ही कट करना है, तो चलिए मैंने बैक पार्ट को कट कर लेता हूँ। उसके बाद जो फ्रंट पार्ट ये है, मैंने ये जो हमारा जो प्लेन कार्ड है, प्लेन कार्ड से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कि फ्रंट में प्लेन कार्ड हो, प्रिंसेस कार्ड हो, और जैसे कि कुछ कुर्ती हो, कुर्ती का जो फ्रंट शेप कुछ भी हो, जैसे कि स्वीट हार्ट जो नेक होता है वो हो, कुछ भी हो, आप सभी से आप लोग ये तरीका आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। लगे मैंने जैसे कि लॉजिक के साथ आप लोगों को अभी डिस्कस करूंगा इस जगह में, तो एक्सप्लेन इस तरीके से करूंगा, आप लोगों को लगेगा हाँ ये आफ्टर स्टिचिंग वो जैसे मैंने बता रहा हूँ वो ही आएगा, ठीक है। तो चलिए इस पार्ट को मैंने ये कट के और इसे ड्रॉ करके उसके बाद में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। Thank you.
ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है फ्रेंड, मैंने इसे ऐसे ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये कट करके। आप किसी भी हो तो इसी तरह आप लोग इसी तरह कट कर दीजिए। और फ्रेंड उसके बाद क्या है ये देखिए हम लोगों को क्या करना है। देखिए ये है हमारा जो पैटर्न है इस जगह के लिए है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जब फ्रंट पार्ट कट करेंगे तो इसी तरह जैसे हमारा बैक पार्ट है उसे आप ड्रॉ कर लेंगे। और फ्रेंड जैसे इसे ड्रॉ करेंगे ना तो जो बेसिक हमारा था उस जगह को भी आप लोगों को ड्राइंग करना है। जैसे कि फ्रंट पार्ट करने के लिए ये सब चाहिए क्योंकि हम लोगों को पता चले जो हमारा बेसिक था किस जगह में ऐसे। और वो इसलिए फ्रेंड जब हमारा फ्रंट पार्ट हम कट करें तो हमारा कोई गलती ना हो इसलिए। देखिए इस जगह में हमारा था। और जैसे कि आप लोग जानते हैं प्लेन कट वगैरह में सीम्स के लिए थोड़ा सा रहता है तो एकदम परफेक्शन है इस जगह में। तो उसके उस वक्त हमें क्या करना है, जो कुछ है इस जगह में आप इसी तरह आप कुछ भी हो आप शेप करिए। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने इस तरीका से इसे कट कर रहा हूँ ऐसे करके। तो ये हमारा बैक पार्ट है, जिस तरीका से है उस तरीका से ये होते जाएगा। और इस जगह में चाहे आप लोग फ्रेंड जैसे कुछ शेप वगैरह हो वो भी आप लोग इस जगह में कर सकते हो। कोई देखिए जैसे कि लाइक ये हॉल्टर नेक की तरह है, मगर हम लोग अलग से कोई कॉलर अलग से कोई ऊपर नहीं उठा रहा है इस जगह में, ये एकदम नया है। तो आप कुछ भी करिए मगर ये जो लाइन है इस लाइन के साथ आप लोगों को मिलाना है। तो ये इसलिए मिलाना है इस जगह में, मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा सा इस जगह में डिस्कस करूंगा आप लोगों को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो मानिए ये है हमारा फ्रंट। ठीक है फ्रेंड, मानिए ये फ्रंट पार्ट हमारा। मैंने उतना वक्त आप लोगों को नहीं दिया कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सिंपल तरीके से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जो हमारा तो चाहिए इस तरह, मगर हम आप लोगों को सिर्फ इस जगह को दिखाने वाला है तो इसलिए हमें पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए फ्रेंड मैंने कर लिया है फ्रेंड। और ये देखिए हमारा ये वाला जो हिस्सा है, तो ये देखिए क्यों ये ऐसा होता है, ये परफेक्शन आता है। देखिए फ्रेंड हम लोग जब इसे सिलाई करेंगे फ्रेंड ये नेक को इसी तरह जाएगा। और मानिए हम गला जब करेंगे फ्रेंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मानिए इसका फ्रंट ओपन है, अब कुर्ती वगैरह कर रहा है तो ये थोड़ा सा डेप्थ होगा तो उसमें आपका जो हेड है वो घुसेगा ठीक तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग इस जगह में पाइपिंग लगा के ये जो जगह है फ्रेंड एक ही साथ चले जाएंगे इस जगह में, ऐसे करके एक ही साथ चले जाएंगे इस जगह में। तो जैसे ही हम एक ही साथ चले जाएंगे फ्रेंड तो ये वाला हिस्सा और जो हमारा बैक का जो नेक हिस्सा तो ऑटोमेटिकली वो पाका हो जाएगा। ठीक है, तो वो इस तरीका से होगा, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मानिए ये है हमारा नेक और ये है हमारा बैक पार्ट। ठीक है फ्रेंड, तो हम इस जगह से अगर पाइपिंग लगाए और इस जगह में मैंने इसके साथ एकदम मिला दिया है, ये देखिए ये नेक कॉलर वगैरह जो होता है ना एकदम मिला दिया। तो जैसे ही हम इसमें हाफ इंच वगैरह कोई पाइपिंग वगैरह लगाई तो इस जगह में वो बैक फ्रंट एक ही साथ में दोनों पार्ट पाका हो रहा है। और साथ ही साथ जैसे कि बैक पार्ट के जैसे हम फ्रंट की ओर आ रहा है वो धीरे धीरे ऐसे खुला करके वो फ्रंट की ओर से भी दे रहा है, बस हो जा रहा है एक ही साथ दोनों। और इस जगह में जैसे कि हॉल्टर नेक की तरह हो कॉलर वगैरह कुछ भी तरह का इफेक्ट एक दिखेगा, बस यही है। ये सिंपल से एक शॉर्ट वीडियो है,
तो आप लोग इसे यूज कीजिए, किसी भी ड्रेस में आप इसे ये नेक आप लोग यूज कर सकते हो। बहुत आसान है और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट्स में फ्रेंड डाल दीजिए जैसे कि कौन सी टाइप का वीडियो आप लोग चाहते हैं, तो हम उसी तरीका ही हम वीडियो बनाएंगे। और आज के लिए इतना सही था फ्रेंड, और जो लोग नया है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारा चैनल को, ताकि इस तरह का जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास इंस्टेंटली चले जाएगा। उसके लिए आप लोगों को बेल बटन क्लिक कर दीजिए और बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।